teacher, and today I will teach you vowels and consonant. Today's topic is vowel and consonant. Okay, so first you should know alphabets in both letters. Okay, first आपको पता होना चाहिए कि alphabets कितने होते हैं numbers 26. 26 letters होते हैं हमारे alphabets में. उसमें से हमें ये देखना है कि vowel कहाँ होते हैं और consonants क्या होते हैं. तो first जिसपे मैं circle बना रही हूँ वो vowel होंगे. तो A, E, I, O and U. These five are vowel. और जो बाकी के बचे हुए हैं 21 letters ये क्या हो जाएंगे? Consonant हो जाएंगे. हम ये भी कह सकते हैं कि जिन number को बोलने में हमें ज़्यादा stress नहीं आए, जिन्हें इसके साथ में हमें किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत ना पड़े, जैसे A, I, O, U, है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? A, E, I, O, U. ये क्या हो गए? Vowel हो गए. और ये बचे हुए सारे letters क्या हो जाएंगे? Consonant हो जाएंगे. अब हमने अभी vowel देखा. अब जैसे B, B को अगर हम हिंदी में लिख ले, B में E की मात्रा B. और इसको हम अलग-अलग करेंगे तो B और क्या हो जाएगा? E. मतलब B के साथ हमको क्या करना पड़ रहा है? E को जोड़ना पड़ रहा है. मतलब ये एक शब्द नहीं है, ये देखने में एक शब्द है लेकिन इसमें दो शब्द है, ब के साथ ई जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंसोनेंट हो जाएगा. सीधी सी बात है, जो ए, जैसे अब ये ए, ए क्या है? इसके साथ सिर्फ एक ही शब्द है, इसके साथ दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है. तो जो सिंगल है जिसके साथ कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ना पड़ रहा है वो हो जाएंगे वोवेल. और जो जैसे ये हो गया एम, अब एम ये कितने शब्द हो गए? दो शब्द हो गए, तो क्या हो जाएगा? ये कंसोनेंट. ओके, अब हम फोनिक साउंड देखेंगे, है ना? फोनिक साउंड में जैसे ए, ए से ए, ब, ब, बी से ब, सी से क, ई से ए. एलिफेंट के लिए हम ई से लिखेंगे, है ना? तो वैसे एफ से फ, जी से ग, एच से ह, आई से ई, जे से ज, के से क, और ऐसे करते करते हम जेड से ज हम पहुंच जाएंगे. तो ये हमारे क्या होते हैं? फोनिक साउंड होते हैं.